और ये कहा कि चाचा मुझे छोड़ के ना जाइए, मैं आपके साथ चलूँगा। लाल से जनाब अबू तालिब अपने साथ लिए हुए चले। और इसी सफर में तहीरा नाहिम का मशहूर वाकया पेश आया। चुनाच वहाँ पर जो मौजूदा साहिब हुए हैं उसमें ये कि इस सफर में पहली बात तो ये थी कि दूसरे अफराद जो थे उनके पानी खत्म हो जाते थे, लेकिन जनाब अबू तालिब के साथ जितने लोग थे किसी का पानी कभी कम नहीं हुआ, सफर मुकम्मल हो गया। दूसरी चीज ये कि पहेरा राहिब के दैल के पास जब आप पहुंचे तो एक दरख्त था जिस दरख्त के साए में जाके आप बैठे, दरख्त फौरन हरा हो। पहेरा राहिब खाना लेकर आया, जनाब अबू तालिब से इजाजत लेकर जब पैगंबर इस्लाम के खिदमत को खाना ला के रखता है, ये खाना सिर्फ एक आदमी के लिए, लेकिन उसी एक आदमी के खाने में 70 आदमी पूरे काफले वालों ने खाना खा और फिर भी खाना वैसे के वैसा बचा रहे। ये सारी चीज़ें लोग मुशाहिदा कर रहे थे, देख रहे थे और पैगंबर की करामत लोगों के सामने जाहिर होती चली जा रही। लेकिन ऐसे भी लोग थे कि जो ये सब कुछ देखने के बाद दिल में ये ख्याल करते थे कि सब जादू है, कोई करामत या मौजज़ा नहीं। चूँकि ये दौर ऐसा था, इसके पहले लोग जादू पे ज़्यादा एतबार किया करते थे, कहानों का जिक्र मैं कर चुका हूँ, कहानों का कितना बोलबाला था, लिहाजा जहनों में जादू भरा पड़ा हुआ था। तो बहुत से ऐसे अफराद थे जो इसको जादू पे डाल दिया करते थे, सारा जादू है। लेकिन जो अहले नज़र थे, जो हकीकत पसंद थे और हकीकत को तलाश करने वाले थे, वो एक एक करामत देख करके अंदाज़ा कर लिया करते थे कि जादू ये नहीं कर सकता जो ये हो रहा है, इसलिए कि मौजदा और चीज़ है, जादू और चीज़ है। दोनों में दुआया करके सवाल करें बहुत बार। इस सफ़र से वापस आने के बाद थोड़े दिनों के बाद वो मशहूर वाक़या पेश आया जो तारीख में पाया जाता है कि खाने काबा की असरेनो तामीर। और इस वाक़े की तफसील में मुझे नहीं जाना है, बच्चे बच्चे इस वाक़े को जानते हैं कि खाने काबा के बनाने में, इसकी तामीर करने में जो कुछ भी हुआ, खुसूसन हजर असवद को नष्ट करने में जो वाक़ फितना खड़ा हो गया था, उस फितने का सद्देबाप पैगंबर इस्लाम ने अपनी हिकमत अमली से किया, जिसमें तमाम कबीलों के सरदारों को बुलाया, एक चादर मंगाई, चादर में हजर असवद को रखा और एक एक कबीले के एक सरदार को बुला बुला के सबको चादर पकड़ाई, सब ने उसे बुलंद किया। पैगंबर इस्लाम ने अपने दस्त मुबारक से हजर असवद को उसके मकाम पर नस्ब किया। और यहीं से एक तारीख नुमाया तौर पर सामने आई कि हजर असवद मासूम के अलावा कभी दूसरा कोई नस्ब नहीं कर सकता। चुनांचे इसके बाद तारीख में दो मरतबा ऐसा वक्त आया है कि हजर असवद को नस्ब करना पड़ा। एक चौथे इमाम के ज़माने में जब हजाज बिन यूसुफ ने अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के कत्ल करने के लिए हमला किया था और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर काबे के पर्दे से लिपटा हुआ था, मिंजनीक में आग भर के पत्थर भर के फेंके गए जिससे काबे की दीवारें ख़राब हो गईं, पर्दा जल गया। जब इसकी फिर दोबारा तामीर करने की बात आई और हजर असवद को नस्ब करने की बात आई तो बड़े बड़े लोग बढ़े कि शरफ हमें हासिल हो जाए, हमें हासिल हो जाए, मगर किसी को भी ये शरफ हासिल ना हो सका। जब भी कोई पत्थर को रखता था, पत्थर अपनी जगह ठहरता ही नहीं था। लिहाजा आखिरकार हमारा और आपका चौथा इमाम आया, आके जैसे उसने पत्थर उठा के रखा तो लोगों को ऐसा लगा पत्थर अपनी जगह कभी हटा ही नहीं था, इस तरीके से रखा गया। गोया साबित हो गया कि हजर असवद को नस्ब करना सिर्फ मासूम के बस की बात, किसी और के बस की बात नहीं है। और इसके बाद दूसरा मौका तब आया जब अहले करामता ने काबे पे हमला किया, इसकी दीवारें गिरा दी, तबरुकात इसके सब उठा के लेके चले गए, हत्ता के काबे के दीवार के पत्थर तक लोग उठा के लेके चले गए थे। उसके बाद जब इसको फिर दोबारा तामीर की बात आई, ये हमारे इमाम ज़माना की गैबत सुगरा के दौर का वाकया है कि उस वक्त अल मुक्तफी बिल्लाह खलीफा था और उसने हजर असवद को नस्ब करना चाहा, जब करामता वालों को से जंग करके उनको शिकस्त हुई, करामता वाले फरार हुए, अल मुक्तफी ने दोबारा इसकी तामीर करवाई। तामीर करवाने के बाद जब हजर असवद को नस्ब करने की बात आई, खुद आगे बढ़ा, पत्थर को उठा के रखा, मगर एक लरजा तारी हुआ, पत्थर अपनी जगह से ज़मीन पर गिर पड़ा। दोबारा अपने वजीर को बुलाया, उसके साथ भी यही हुआ, खानदान के एक फर्द को बुलाता है मगर कोई भी कामयाब नहीं होता। आखिरकार लोगों ने देखा कि मजबे को चीरता हुआ एक शख्स चला आ रहा है, एक जवान आगे बढ़ा,
उसकी अजमत यह है, उसकी हैबत व जलालत का आलम यह है कि जिसकी भी निगाह पड़ती वो पीछे हटता चला जाता है। चुनांचे वो आया, आने के बाद हजरत अस्वद को उठा करके उसके मकाम पे रखता है। हजरत अस्वद अपनी जगह कायम हो जाता है और उसके बाद पलट के मजमे को चीरता हुआ दोबारा वापस चला जाता है। अब इसके बाद दुनिया ने पहचाना कि आने वाला कोई और नहीं था, मोहम्मद मुस्तफ़ा का आखिरी वारिस था जो आया था और आके हजरत अस्वद नस्ब करके चला गया। तो पता चला कि अगर मासूम पर्दे गैब में भी है तो भी किसी को यह हक हासिल नहीं को हजरत अस्वद को नस्ब कर सके। आएगा तो मासूम ही आके नस्ब करेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। काबा दोबारा बना दिया गया और काबे के बनाने के बाद जिसकी लंबाई 30 गज, चौड़ाई 24 गज और ऊंचाई 9 गज, ये जनाबे इब्राहिम की तामीर करता बुनियाद है और इसी बुनियाद पर दोबारा फिर से काबा बनाया गया। इसके बाद दूसरा जो मशहूर वाकया उस वक्त का है वो जनाबे खदीजतुल कुबरा के सिलसिले में। जनाबे खदीजतुल कुबरा की शख्सियत गैर मारूफ नहीं, आप हजरात अच्छी तरह से जानते। मुझे इन बीबी के बारे में चंद बातें अर्ज करनी है कि जनाबे खदीजतुल कुबरा के बारे में तारीख में बड़ा खिलाफ पाया जाता है और यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि कुछ लोगों को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को घटाया गया है। यह तारीख का एक ऐसा अलमिया है जिसने बड़ी बड़ी हकीकतों पे पर्दा डाला और ये सब कुछ जिन अदवार में हुआ इंशाल्लाह जब वहाँ तक पहुँचूंगा तो पूरी तफसील से वो सारी बातें बयान करूँगा कि किस किस पॉलिसी के तहत ये सारा काम अंजाम पाया है। जनाब खदीजतुल कुबरा की दौलतमंदी का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आप कितनी दौलतमंद थी इसका अंदाज़ा लगा पाना आज किसी के बस की बात नहीं। तारीख में जो कुछ पाया गया है उसका मुख्तसर सा खाका मैं आपके सामने पेश करूँ। अल्लामा मजसी अलैहि रहमा अपनी किताब में चंद इशारे उनकी दौलतमंदी के बारे में करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें ये बात कि मुतफर्रिक मकामात पर काबे के अलावा दिगर इलाकों में जनाबे खदीजतुल कुबरा के मवेशी यानी उनके जानवर, उनकी इमलाक, उनकी जायदाद थी, जिसमें 80,000 ऊँट पाए गए। अब ये 80,000 ऊँट का अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं कि उस ज़माने के 80,000 ऊँट की कीमत क्या होगी। अजीज़ों, इसके बारे में ख़तीब अकबर आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतार साहब ने एक मजलिस में इसकी वजाहत करते हुए एक तखमीना पेश किया है कि चूंकि ऊँट उस वक्त सामान को ढोने के काम में आते थे, या यूँ कहा जाए कि अरब का जहाज़ माना जाता है, आज भी मकूला मशहूर है कि ऊँट सवारी के भी काम आता था, सामान ढोने के भी काम आता था, वही काम आज ट्रक और लारियाँ कर रही हैं। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अतार साहब ने ये कहा है कि उस ज़माने का एक ऊँट आज के ज़माने के ट्रक के बराबर है। तो ये मानना पड़ेगा कि अगर आज हम अंदाज़ा करें तो 80,000 ट्रक की मालिक जनाबे खदीजा है। अब आज दुनिया में अगर किसी पास 80,000 ट्रक हो तो वो कितना दौलतमंद माना जाएगा। ये सिर्फ ऊँटों का तखमीना है, घोड़े कितने हैं कोई शुमार नहीं, खच्चर कितने कोई शुमार नहीं, जायदाद कितनी है दिगर इलाकों में कोई शुमार नहीं। और इसके अलावा तारीख में यह है कि अरब के अलावा मिस्र में, शाम में, हबश में, हर जगह बीबी के मुलाजमीन और मुनीबीन तिजारत किया करते थे। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां जनाबे खदीजा की जायदाद ना हो, जहां जनाबे खदीजा का माल तिजारत के लिए बाज़ार में ना हो। हर बाज़ार में जनाबे खदीजतुल कुबरा का माल पाया गया है और मुसलसल तिजारत होती रही है। दूसरी चीज़ यह है कि अहले मक्का तिजारत के लिए जब निकलते थे तो अक्सर व बेशतर ये होता था कि अपने पास दौलत नहीं होती थी, जनाबे खदीजतुल कुबरा का माल किराए पे लेके तिजारत करने जाया करते थे। चुनांचे बीबी खुद भी तिजारत करती थी और दूसरों को भी तिजारत करवाती थी। आपकी दौलतमंदी का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। मुख्तसर सा खाका था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया, वरना बीबी के दौलतमंदी का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और ये याद रहे कि ये सारी दौलत खिदमत इस्लाम में खर्च हुई है, सारी दौलत, जिसके बारे में बीबी ने सारी दौलत जब पैगंबर इस्लाम के हवाले की है तो ये कहते हुए कि मैं तो आपकी कनीज़ हूँ, आपकी खिदमत करना है मुझे, बस ये दौलत जो कुछ भी मेरे पास है सब के मालिक आप हैं, जैसे चाहे आप इसे इस्तेमाल करें। और पैगंबर इस्लाम ने सारी दौलत इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए इस्तेमाल की है। चुनांचे दोबारा तिजारत की बात आई, पैगंबर इस्लाम ने
تجارت کے لیے اپنے چچا سے گفتگو کی تو جناب ابو طالب نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے میں خدیجہ کے پاس جاتا ہوں, خدیجہ سے گفتگو کرتا ہوں اور خدیجہ سے گفتگو کر کے تمہاری تجارت کا سامان فراہم کرتا ہوں. عزیزو یہاں پر ٹھہر کر کے میں ایک بات عرض کر دوں تاکہ آگے کی منزلیں آپ کے سمجھنے کے لیے آسان ہو جائیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں, سوچ لیں کہ جناب ابو طالب کے پاس مال نہیں تھا, یہ قطعاً غلط ہے. جناب ابو طالب کے پاس ایسا نہیں کہ مال نہیں, یا آپ کے پاس جانور نہیں یا تجارت کا سامان نہیں تھا. جناب ابو طالب اس سے پہلے تجارت کے لیے جا چکے. جو پہلے تجارت کے لیے گیا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ مال تجارت ہے, پھر بھی جناب خدیجہ کی طرف رجوع کرنا کیا مقصد ہے؟ عزیزان محترم اس چیز کو سمجھنا آسان نہیں ہے. یہ چیز منزلت جناب ابو طالب پہ روشنی ڈالتی ہے کہ ابو طالب کی دور رس نگاہیں کہاں کہاں دیکھ رہی تھی. اس لیے کہ ابو طالب کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے. انشاءاللہ آگے چل کے مولائے کائنات کے بچپنے کے حالات عرض کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ ابو طالب کی حکمت عملی کیا ہے, اسلام کی خدمت انہوں نے کب کب کیا کیا کام انجام دیا ہے, تبلیغ دین سے پہلے انتظام کرنے میں جناب ابو طالب کیا کیا کام انجام دیتے رہے. چنانچہ آتے اور تنہا نہیں آتے بلکہ اپنے ساتھ اپنے بھائی عباس کو لیتے ہیں, حمزہ کو لیتے ہیں, دوسرے بھائیوں کو لے کر کے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کی طرف چلتے ہیں. ادھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عالم یہ ہے کہ آپ تک پیغمبر اسلام کی ایک ایک خبر پہنچ رہی ہے. ان اخبار کے پہنچنے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ بے قرار ہو رہی ہے. اس بے قراری کے عالم میں ایک دن اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہے, ان سے اپنے معاملے میں گفتگو کرتی اور اپنے کچھ خواب ہیں انہیں بیان کرتی. ان کے چچا نے کہا کہ جو خواب آپ بیان کر رہے ہیں, خواب سے مراد یہ ہے کہ ایک بہت ہی بڑا شرف آپ کو حاصل ہونے والا ہے. اور اس کے بعد ورقہ نے اس کی طرف پوری طرح نشاندہی کی. تاریخ میں ایک واقعہ پایا گیا ہے کہ ورقہ نے ایک لوح لکھی. ورقہ اس وقت مذہب عیسائی پر تھی, لیکن عیسائی مذہب بدلا ہوا نہیں بلکہ عیسائی سچا مذہب جو تھا اس مذہب پر تھے. انہوں نے ایک لوح دے کر کے بھیجا کہ اس کو اپنے سرحانے رکھ کے سو جانا اور خواب میں جو کچھ بھی دیکھنا مجھے آ کے بتا دینا. جناب خدیجہ نے رات کو خواب میں دیکھا ایک خوبصورت جوان کو اور پوری کیفیت, چونکہ مقصد یہ تھا کہ میرا شوہر کون ہوگا, لہٰذا آ کر کے ساری باتیں جب بیان کی تو ورقہ نے بشارت دی کہ سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی اور نہیں. اب ورقہ نے یہاں جناب خدیجہ سے ایک عہد لیا اور وہ یہ کہ جب آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو میری شفاعت کے لیے سفارش کر دیجیے. یہ ہے عرفان جو پہچانتے ہیں کہ شفاعت کرنے والا کون. لہذا چونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ خود ہی پیغمبر اسلام کی طرف راغب ہو چکی تھی, روایت میں یہ ہے کہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی سوچتے سوچتے رونے لگتی, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کیسے ہی میں کنیز نے آ کے بتایا کہ سرداران مکہ آئے, خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تشریف لا رہے. بھئی یہ سننا تھا کہ جناب خدیجہ نے فوراً کہا جاؤ اور جا کر کے میرے کمرے کو آراستہ کرو, ان سب کو ان کے حسب حیثیت مقامات پر بٹھاؤ. سارے بزرگان بنی ہاشم آ کر کے بیٹھ گئے, جناب خدیجۃ الکبریٰ پردے کے پیچھے آ کر کے بیٹھی. پردے کے پیچھے آ کے بیٹھنے کے بعد اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, مکے کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو اکثر عورتیں اس طرح کی نظر نہیں آئیں گی کہ جو گفتگو کرنے میں پردے کے پیچھے نظر آئے, مگر خدیجہ اسلام کی آنے سے پہلے ہی پردے کے پیچھے نظر آ رہے ہیں. خدیجان محترم یوں ہی خدا کسی کو منتخب نہیں کرتا, بلکہ جس میں صفات ایسے رکھتا ہے یہ اس کی اپنی مصلحت ہے کہ کس کو کس کام کے لیے منتخب کرے. لہذا جب منتخب کرتا ہے تو ویسے صفات سے نوازتا بھی. پردے کے پیچھے آگے بیٹھتی اور اس کے بعد شکر گزاری کے ساتھ عرض کرتی ہے کہ اے بنی ہاشم کے چشم و چراغ, آج میرے گھر پہ آپ کے مبارک قدم آئے, میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور فخر کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. بتائیے کیا خدمت آپ کی انجام دوں. جناب ابو طالب نے گفتگو شروع کی اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی کہ میرا بھتیجا تجارت کے لیے جانا چاہتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنا وکیل بنا لیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ سنا تو یہ کہا کہ میں یہ باتیں خود انہی کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. جناب عباس اٹھے کہ میں ابھی جا کے بلا کے لے آتا ہوں.
अब जनाब अब्बास चले, तलाश कर रहे हैं कि भतीजा कहाँ है, घर में देखा नज़र नहीं आया। तो मालूम हो गया जब घर में नहीं है तो फिर कहाँ होंगे। पैगंबर इस्लाम हमेशा गारे हिरा में रहा करते थे, तन्हाई में अपने रब की इबादत किया करते। चुनांचे जनाब अब्बास चले, गारे हिरा में आए, अजब मंजर देखा, पैगंबर इस्लाम सो रहे अपनी रिदा लपेटे हुए, सिरहाने एक बहुत बड़ा अजदहा बैठा हुआ है, अजदहे के मुंह में फूलों का गुच्छा है और उससे वो पंखा झल रहा है। पैगंबर इस्लाम सो रहे, जनाब अब्बास कुछ और समझे कि अजदहा है, तलवार निकाल के हमला करना चाहा। अजदहे ने गैस आलूद निगाह से जो जनाब अब्बास की तरफ देखा तो लरस गए, तलवार हाथ से छूट गई और चीख पड़े कि भतीजे मेरी खबर लो, मुझे बचाओ। जब आपकी आवाज़ बुलंद हुई, पैगंबर इस्लाम ने अपनी आंखें खोली, देखा कि जनाब अब्बास लरस रहे हैं। कहा चाचा क्या बात। जनाब अब्बास ने पूरी कैफियत बयान की, पैगंबर इस्लाम मुस्कुराए। कहा चाचा कोई अजदहा नहीं है, वो फरिश्ता है जो हमेशा मेरे साथ रहता है, जब मैं आराम करता हूँ मेरे सिरहाने आके बैठ के खिदमत अंजाम देता है, अल्लाह ने मेरी हिफाजत के लिए इन्हें मौकिल करार दिया। अजदहा गायब हो गया। जनाब अब्बास ने ये कहा कि यकीनन अल्लाह की तरफ से ये ऐसे ही शरफ़ के आप हकदार हैं जो शरफ आपको अता हो रहा है। चलिए इस वक्त आपको चलना है खदीजा के घर पे, क्योंकि वो अपने माले तिजारत पर आपको वकील बनाना चाहती है। पैगंबर इस्लाम को लिए हुए जनाब अब्बास चलते हैं। रिवायत में यह है कि जब पैगंबर इस्लाम जनाब खदीजा के घर की तरफ चले, अभी आप रास्ते ही में हैं कि आपका नूर जनाब खदीजा के घर पहुँच गया, यानी जनाब खदीजा के घर का एक एक कमरा रोशन और मुनव्वर हो गया। ऐसा लगा कि चारों तरफ से धूप पड़ रही हो। जनाब खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा को डांट के कहा कि क्या तूने पर्दे नहीं लगाए कि धूप चारों तरफ से आ रही है, तकलीफ का बायस बन रही है। तो मैसरा ने हैरान होकर चारों तरफ देखा, सारे पर्दे लगे हुए नजर आए, कहीं से भी धूप का गुजर नजर नहीं आया, तो हैरान होकर के घर से बाहर निकला। अब जो बाहर निकला, सामने पैगंबर इस्लाम को आता हुआ देखा, तो क्या देखता है, पेशानी पे चमकता हुआ नूर। ऐसा लगता है कि आफताब की शुआएं उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती है। दौड़ता हुआ घर में आके कहता, बीबी ये किसी सूरज की रोशनी नहीं है, बल्कि आने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा की पेशानी का नूर है जिसने घर को मुनव्वर कर रखा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप तशरीफ लाए, जैसे ही आप कमरे में आए, तमाम आपके चचा उठ करके आपका इस्तकबाल करते और उसके बाद सदर महफिल में आपको बिठाते। जब आप बैठ गए, जनाब खदीजा ने खजूरों का तबक भेजा, आपने तनाविल फरमाया और उसके बाद गुफ्तगू शुरू की। जनाब खदीजा कहती कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे माल पर आप वकील बन करके तिजारत करने के लिए जाए। कभी कभी हमारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मजलिसों में, अक्सर बेशतर लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने में ख्याल नहीं करते। रसूल को कमीशन एजेंट भी कहा है लोग। रसूल कमीशन एजेंट नहीं है, वकील तिजारत है, और वकील तिजारत और होता है, कमीशन एजेंट और होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। पैगंबर इस्लाम ने इसे कबूल फरमाया और उसके बाद जनाब खदीजा ने कहा कि आपका जहाँ जी चाहे आप वहाँ तिजारत के लिए जाइए। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मैं शाम की तरफ जाऊँगा। जनाब अबू तालिब ने जब यह कहा कि जहाँ जी चाहे वहाँ जाइए, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मैं शाम की तरफ जाऊँगा। जब भी किसी ने बात की, हर एक के जवाब में आपने शाम का नाम लिया है। अब शाम का नाम क्यों लिया है ये रास बाद में जाहिर हो जाएगा, जिससे एक बात का पता चलेगा कि जो लोग ये कहते हैं कि आप 40 साल की उम्र में नबी बने, ये उनके अकीदों पर एक तमाचा है। जो आप बार बार कह रहे मैं शाम की तरफ जाऊँगा, शाम की तरफ जाऊँगा, शाम की तरफ जाऊँगा, नबी की अजमत क्या है और नबी की जिम्मेदारी क्या है, वो फर्ज़ नबूवत बचपने ही से विलादत के फौरन बाद से ही निभाते चले आ रहे हैं, उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। चुनांचे जब सारी बातें तय हो गई, अब जनाब खदीजा ने कुछ और करामत देखना चाहिए, तो ये कहा कि आप तिजारत के लिए तो जा रहे हैं, तिजारत के कुछ उसूल हैं, कुछ दस्तूर हैं आपको मालूम। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या क्या सामान ऊँटों पे बार कर सकते हैं, क्या बेशक कर सकता हूँ। जनाब खदीजा के इशारे पर मैसरा गुलाम, जो जनाब खदीजा का ख़ास गुलाम है, एक ऊँट को लेके आया। ये ऊँट इतना सरकश था
कि इसके मुंह से कब जारी थी, आंखें इसकी सुर्ख थी, किसी को करीब नहीं आने दे रहा। जनाब अब्बास ने जो ये देखा तो गए इसके आलम में पलटे, मैसरा क्या तो मेरे भतीजे का इस सरकस ऊंट से इम्तिहान लेना चाहता है, कोई और ऊंट नहीं था। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया चचा परेशान ना, इसे मेरे करीब तो आने दें। जैसे ही ऊंट करीब आया सारी सरकशी खत्म हो गई। पैगंबर इस्लाम के कदमों पर सर रख दिया, रसूल इस्लाम ने उसके सर पर हदस्ते शफकत फेरा, उठ के खड़ा हुआ। अब जो इशारा पैगंबर इस्लाम करते हैं ऊंट वैसे ही हरकत कर रहा है। ये करामत देखी बीबी ने, चश्मे सदन में सारा माल बार कर दिया। लोगों ने यह भी देखा, जनाब खदीजा ने अब इसके अलावा पैगंबर इस्लाम के लिए पैराहन भेजा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ये लिबास आप पहन के तजारत ले जाइए, लेकिन ये लिबास बड़ा है, लाइए मैं इसे छोटा कर दूँ। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इसे छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जिस्म के लिए लिबास को ना बड़ा करने की ज़रूरत है ना छोटा करने की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर बड़ा होगा तो खुद छोटा हो जाएगा, छोटा होगा तो खुद बड़ा हो जाएगा। हम जिस लिबास को भी ज़ेब-ए-तन करते हैं वो हमारे बदन पर पूरा दुरुस्त आता है। चुनांचे जैसे ही आपने लिबास को पहना, देखने वाले महवे हैरत हो गए कि जैसे लगा कि इन्हीं का लिबास है, इन्हीं के नाप पर सिला गया है, किसी और तरीके का सिला हुआ नहीं है। तो यहाँ से एक बात तो वाज़े हो गई कि अल्लाह के नुमाइंदे वो होते हैं कि जब लिबास भी ज़ेब-ए-तन करते हैं तो लिबास को भी छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये एक निशानी करार पाई है जो तारीख में आपको मिलेगी कि जब जालूत से जंग करने की बात आई और पैराहने मूसा के पहनने वाले को निशानी करार दिया गया कि जिसके जिस्म पर जनाब मूसा का पैराहन फिट आ जाएगा वही जालूत को कत्ल कर सकता है, तो मुकाबले पे आया कौन है? आप जानते जनाब दाऊद आए हैं। जनाब दाऊद बच्चे हैं, बचपना है उनका, और जनाब मूसा का पैराहन जैसे ही पहना जिस्म पर एकदम दुरुस्त आया, तो पता चला कि वारिस अंबिया वो होते हैं जो तमाम निशानियों को अपने पास रखते हैं, तो वैसे ही वो काम करते जो इसे जैसे उस नबी के लिए काम कर रही है। यही निशानी बाद में मौलाए कायनात के लिए भी सामने आई, जब तकाजा हुआ कि तबरुकात रसूल हमारे हवाले कर दिए जाए, जनाब अब्बास ने मांगा था तो पैराहन पहनने की बात आई, जनाब अब्बास ने रसूल का पैराहन पहनना चाहा तो बदन पे फिट ही नहीं आ रहा है, बड़ा टाइट हो रहा है, लेकिन जब उसी पैराहन को मौलाए कायनात ने पहना तो ऐसा लगा अली ही का पैराहन है। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नुमाइंदों के पैराहन तक में जब कोई फर्क नहीं होता तो किरदार और अमल में कहां से फर्क हो सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये निशानियां जिससे पहचाना जा सकता है कि वारिस नबी कौन, वसीय नबी कौन, ये मौजूदा देख लेने के बाद अब सफर की तैयारी शुरू। उस वक्त जनाब खदीजा ने अपना एक मशहूर नाका सहाबा जिसका नाम है उसे पैगंबर इस्लाम की खिदमत में पेश किया। सामान्य तिजारत तैयार हो गए, शहर मक्का से बाहर सारा सामान है, सारे जानवर सारे नाके वहाँ मौजूद हैं, और जब भी कोई काफिला तिजारत के लिए निकलता था तो काफिला इस तरह से निकलता था, मुख्तलिफ कबीले के लोग शामिल होकर शरीक होकर काफिला बना के तिजारत करने जाते थे, अकेला कोई नहीं जाता, इसलिए कि अकेले जाने में इस बात का खौफ होता था कहीं भी लूटा जा सकता है, कोई भी ख़तरा पेश आ सकता है, लिहाजा कुछ लोग मिल करके तिजारत करने जाएँ। चुनांचे जब यह काफिला चलने पर आमादा हुआ तो इसमें भी मक्के के कई कबीले के लोग अपना अपना तिजारत का सामान लेकर शामिल हो गए। इसमें नुमाया लोगों में अबू जहल भी है, अब सारे रास्ते अबू जहल अपनी शरारतें भी करता चला है, बनी अली वाले भी हैं, बनी तीम वाले भी हैं, सारे लोग अपने अपने कबीले के एक सरदार बना करके सब चले, सब एक मकाम पे जमा है, सबके सामान ऊँट पे बार हो चुके हैं। पैगंबर इस्लाम जब पहुँचे तो आपने देखा कि खदीजा का माल सब ज़मीन पे रखा हुआ है, सारे नाके खड़े हैं, कोई माल बार नहीं है। तो आपने ग़ुलामों से कहा कि तुमने माल बार नहीं किया, ग़ुलामों ने कहा कि माल बहुत ज़्यादा है, हम बार नहीं कर सकते। चुनांचे पैगंबर इस्लाम ने एक एक ऊँट को इशारा करना शुरू किया, हर ऊँट बैठता चला गया और एक साथ में सारा माल ऊँटों पे बार हो गया और बंध गया। इसके बाद यहाँ से रवाना हुए, थोड़ी दूर चले थे। इस सफ़र में पैगंबर इस्लाम के साथ आपके चचा जनाब अब्बास हैं और आपके चचा जनाब हमजा हैं, ये साथ साथ चल रहे हैं, अबू जहल भी है, दूसरे सरदारान मक्का भी है, ये सब साथ साथ चल रहे हैं। चुनांचे थोड़ी दूर चलने के बाद आपस में ये मशवरा हुआ कि हम में एक को सरदार बनाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से चलेंगे तो किसी भी मंजिल पर हम मुख्तलिफ राय के सबब
अलग अलग हो सकते हैं, हमें फितना हो सकता है। अगर एक सरदार होगा तो उसकी बात पे सब अमल करेंगे और बखैर वाफियत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब सरदारी की बात आई तो हर कबीला अपने सरदार को पेश कर रहा है। जनाब हमजा ने आगे बढ़ के कहा कि बनी हाशिम किसी की सदारत को कबूल नहीं कर सकते, बनी हाशिम सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा के किसी को सरदार नहीं माने। और मैसरा ने खुद कहा कि हम किसी की सरदारी कबूल नहीं कर सकते। अब इसमें इख्तलाफ बढ़ता रहा, यहाँ तक इख्तलाफ बढ़ा, अबू जहल ने जब बदकलामी शुरू कर दी तो जनाब हमजा गए इसके आलम में तलवार खींच के अबू जहल के सर पे पहुँच गए। पैगंबर इस्लाम ने इशारे से रोका, चचा ठहर जाइए, जंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने फरमाया ऐसा करते हैं कि दो सरदार बन जाएंगे। अबू जहल बहुत जोर कर रहा था, तू भी सरदार बन जा, और ये लोग मुझे सरदार बना रहे, मैं भी सरदार बन जाऊँ। दिन को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक हिस्से में एक सरदार आगे चलेगा, दूसरे हिस्से में दूसरा सरदार आगे चलेगा। लिहाजा मामला इस तरीके से रफा दफा हो गया और काफिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला। आगे बढ़ते बढ़ते काफिला एक वादी में पहुंचा, जिस वादी का नाम वादी अमवा। ये वादी सैलाब के लिए मशहूर थी। इस वादी में अक्सर और बेशतर सैलाब आ जाया करता था, और जब सैलाब आता था तो काफ़ी दिनों तक पानी जमा रहता था, उस वादी को पार करना नामुमकिन हो जाता था। चुनांचे जब काफिला उस वादी पे पहुंच गया और जाके वहाँ पे लोग ठहरे, अभी दूसरा दिन था कि लोगों ने देखा बादल आए, बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि सैलाब आ गया। जब सैलाब आया तो अब आगे का रास्ता तय करना मुहाल हो गया। लोग परेशान, मैसरा पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये कहता है कि हमने इस वादी में बारहा देखा, जब पानी आ जाए तो महीनों ये पानी हटता नहीं है, लिहाजा अब बेहतर यही कि हम यहाँ से पलट के मक्का चले, जब वादी का पानी निकल जाएगा तो हम दोबारा सफ़र करेंगे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जल्दी मत कर, अल्लाह की बारगाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की और सो गए। ख्वाब में आपने देखा कि किसी ने आके कहा कि सुबह बेदार होने के बाद आप ये देखिएगा कि एक परिंदा आएगा, वो परिंदा इस पानी के ऊपर से परवाज करता हुआ अपने पर से पानी पर एक खत, एक निशान खींचता चला जाएगा, और ये निशान बरकरार रहेगा, आप उसी निशान पर चलते हुए चले जाइएगा, बखैर वाफियत पार हो जाएंगे। मगर चलते वक्त अल्लाह का नाम लेकर के सबसे कह दीजिएगा, सब अल्लाह का नाम लेकर चले, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह कहते हुए चले, और जो ये नहीं कहेगा वो गर्क हो जाएगा। चुनांचे पैगंबर इस्लाम सुबह बेदार होके आप ऐलान करते हैं कि सामान तैयार किया जाए, हम आगे सफ़र करें। लोग हैरान और परेशान आए कि हम आगे कैसे सफ़र कर सकते हैं, वादी भरी हुई है पानी से। आपने फरमाया घबराने की कोई बात नहीं। आप उसके पानी के किनारे पहुंचे, देखा परिंदा खत खींचता हुआ चला गया, खत का निशान देखा, शुक्र खुदा बजा लाए, आगे बढ़े। आप बिस्मिल्लाह बिल्लाह कह करके जब आगे चले तो तारीख में है कि आपका पैर पिंडलियों से ज़्यादा पानी में नहीं जा रहा। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे और आवाज़ देते जा रहे थे, सब लोग बिस्मिल्लाह व बिल्लाह कहते हुए चलते चले आओ, तो सब के सब बिस्मिल्लाह व बिल्लाह कहते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बनी जमा का एक शख्स था, उसने कहा मैं ये नहीं कहूँ, बल्कि उसने क्या कहा, बिस्मिल्लाह तबल उज़्ज़ा, जैसे ही कह के कदम रखा वही गर्क हो गया, वो भी डूब गया, उसका सारा सामान भी डूब गया, सब हलाक हो। और उसके बाद ये सब के सब उस वादी को पार कर गए। तो इब्तिदा ही में ये नतीजा बरामद होता चला कि नजात अगर है तो बिस्मिल्लाह व बिल्लाह में है, किसी गैरुल्लाह के ज़रिए नजात नहीं मिलने वाली। जो गैरुल्लाह का भरोसा करेगा वो गर्क हो जाएगा। इस वादी को पार करने के बाद जब आगे बढ़े तो अबू जहल आगे आगे चला जा रहा है, आगे आगे चला जा रहा है, आगे आगे चला जा रहा है, हसद में चलता हुआ, क्योंकि एक करामत सामने आई तो क्या कहता, ये बहुत सख्त जादू है जो कर रहे हैं, बार बार जादू का नाम। आगे बढ़ता चला, दूसरी वादी आती है। इस वादी में कुआं था, ये कुआं मशहूर था, लिहाजा सफ़र पर चलने वाले उस कुएं के पास आगे ठहरते थे और वहाँ पे आके अपना नया पानी भरते थे, अपने जानवरों को सैराब करके फिर आगे का सफ़र तय करते थे। अबू जहल अपने साथियों के साथ पहले पहुँचा, उसने अपनी मशकें भरी और उसके बाद कुएं को पाट दिया, बंद कर दिया, इस ख्याल से कभी आएंगे और यहाँ पर आने के बाद सब हलाक हो जाएंगे। आगे बढ़ने लगा, एक मश्क पानी अपने गुलाम को दे के ठहराया, का यहाँ छुप जा। जब ये काफिला यहाँ पहुँचे और जब मौज़ अल्लाह नौज़ बिल्ला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हलाक हो जाए तो मुझे आके खुशखबरी सुनाना, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। गुलाम छुपा हुआ है। इधर काफिला पहुंचा। अब जब काफिला पहुंचा, लोगों ने देखा कुआं पटा हुआ है, तो लोग बड़े परेशान हुए, प्यास के मारे सबका बुरा हाल, आगे का सफर तय नहीं किया जा सकता, पानी है नहीं। इधर पैगंबर सलाम नाके से उतरे, जमीन पे कदम रखा था कि जमीन पे आपने जहां कदम रखा, आपके कदम मुबारक के नीचे से चश्मा जारी हो गया। चश्मा जारी हुआ, तमाम काफिला सैराब हो गया, मशकें भरी गई, जानवरों को पानी पिलाया गया, वहां पे ठहर करके लोगों ने आराम किया। और पैगंबर इस्लाम ने अपने चचा अब्बास से कुछ खजूरें ली, खजूरें तनाविल की, और उसके बाद उसके बीज जमीन में डालते चले गए। जनाब अब्बास ने देखा, कहा बेटा ये क्या कर रहे हैं? कहा चचा दरख्त लगा रहे। कहा ये दरख्त कब तक बड़े होंगे? कहा चचा घबराइए मत, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, फल भी खिला दूंगा। और इसके बाद काफिला आगे बढ़ा। ज़रा सा आगे बढ़ने के बाद पैगंबर इस्लाम ने कहा चचा पलट के जाइए और मेरे लिए खजूरें लेके आइए। जनाब अब्बास पलटे, आके देखा तो आपके बोए हुए बीज ऐसे दरख्त आसमान से बातें करते हुए नजर आए, जिसमें ताज़े पके हुए फल नजर आ रहे हैं। जनाब अब्बास ने वहाँ से फल तोड़े और काफ़ी फल जमा करने के बाद, खजूरें जमा करने के बाद वहाँ से लेके चले, पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए, आपको भी खजूरें खिलाई, सारे काफिले वालों को भी खजूरें खिलाई। ये सारी करामतें दिखाते हुए पैगंबर इस्लाम आगे बढ़ते चल रहे थे। उधर गुलाम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, अबू जहल इंतज़ार कर रहा था, जैसे ही देखा और कहता क्या खुशखबरी लाया है? कहा कोई खुशखबरी नहीं लाया। कहा क्या हुआ? सारा वाकया बयान किया तो कहता ये भी बड़ा सख्त जादू जो पैगंबर इस्लाम ने किया। उसके बाद और आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते एक वादी में पहुंचे, जिस वादी का नाम वादी ज़ेबान, बड़ी ख़तरनाक वादी। इस वादी में जैसे ही अबू जहल ने कदम रखा, सामने बहुत बड़ा अज़्ज़ा नज़र आया और ज़बरदस्त की निगाह इन पर पड़ी, तो इसके नाके अबू जहल के नाके की निगाह जब अज़्ज़ा पे पड़ी, अज़्ज़ा तेज़ी से आगे बढ़ता नज़र आया, नाका भड़क के भागा, अबू जहल वहीं गिर के बेहोश हो। सारे काफले वाले हैरान और परेशान इधर उधर भागने लगे। अज़्ज़ा थोड़ी देर के लिए किनारे चला गया। अब जब कुछ देर के बाद अबू जहल को होश आया, तो वादी से पलट के किनारे आके ठहर गया पूरा काफला। ले पैगंबर इस्लाम जब काफला लिए हुए वहाँ पर पहुँचे और अबू जहल को देखा, तो सवाल किया कि क्यों ठहरे, क्यों तुम तो आगे आगे चल रहे थे, तो आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ रुके क्यों? कहा नहीं, अब हम ये ख्याल करते हैं इतनी करामतें देखने के बाद हमने मान लिया कि सरदारी आप ही का हक है, आप ही सरदार बने और आप ही आगे चले, अब हम आपसे आगे नहीं चलेंगे, अब तो बड़ी जसारत की, हमें माफ़ कीजिएगा, अब हम सरदार नहीं है, सरदार आप ही, आप जो कहेंगे हम मानते चले जाएंगे। जनाब अब्बास खुश हो गए कि चलो इस सरकस ने माना तो सही। पैगंबर इस्लाम ने कहा चचा खुशी की ज़रूरत नहीं है, ये मक्कार है, इससे कभी भी वफा की उम्मीद ना रखना, ज़रूर इसमें कोई ना कोई बात है, अभी आगे चल के ज़ाहिर हो जाएगी। चुनांचे पैगंबर इस्लाम आगे बढ़े, थोड़ी दूर चले थे कि अज़्ज़ा फिर गार से निकलता हुआ नज़र आया और आकर के वैसे ही सामने खड़ा हुआ। आपका नाका भड़कने लगा, आपने नाके की गर्दन पे हाथ रख के आवाज़ दी, तू क्यों परेशान होता है, तो उस पर सैयदुल मुरसलीन सवार है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाका अपनी जगह पे ठहर गया, सारा काफिला रुक गया। आपने अज़्ज़ा को बगौर देखा और देखने के बाद ये फरमाया, क्यों रास्ते में आगे खड़ा हुआ है, जा अपने रास्ते पे किनारे हट जा और खबरदार मेरे काफिले में किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करना, यहाँ से गायब हो जा। वह अज़्ज़ा फौरन सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। पैगंबर इस्लाम ने जवाब सलाम दिया। अब वो कहता है कि मैं अज़्ज़ा नहीं हूँ, बल्कि मैं जिनों के बादशाहों में से एक बादशाह हूँ, मेरा नाम हाम इब्ने अलीम है और मैं आपके जज जनाब इब्राहिम के दस्ते मुबारक पे ईमान लाया। ईमान लाने के बाद मैंने उनसे शिफात की दरख्वास्त की, तो उन्होंने मुझे आपका पता बताया कि शिफात का हक सिर्फ और सिर्फ पैगंबर आखिर ज़बान को है, लिहाजा तू जा। और इस वादी का पता उन्होंने ही मुझे बताया था कि इस वादी में रह के इंतज़ार करना, एक दिन वो आएगा जब यहाँ पहुँचे तो तू उस पर ईमान लाना और अपनी शिफात की गुजारिश करना। चुनाचे पैगंबर इस्लाम ने उसकी शिफात का वादा किया और फरमाया कब यहाँ से आगे चल, यहाँ से निकल जा, अब यहाँ कभी नज़र नहीं आ। चुनाचे सब ने ये चीज़ देखी और आगे बढ़ गया। अब मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पैगंबर इस्लाम ने क्यों कहा था मैं शाम की तरफ तिजारत करने जाऊँगा? अजीज़ो दुनिया आप समझे, रसूल का मर्तबा न जानने वाले ज़रा गौर करें और सोचे
कि अजमत रसूल क्या है। इब्राहिम का किया हुआ वादा था, पैगंबर इस्लाम उसे पूरा करते नजर आ रहे हैं। अगर न जाते तो ये जिन कब तक इंतजार करता रहता, गोया नबी की दी हुई खबर पर, नबी को उस मकाम पर पहुंचना ये बता रहा है कि नबुवत सिनो साल की मोहताज नहीं होती। शिकमे मादर में तो भी नबी है, आगोशे मादर में तो भी नबी है, बचपना है तो भी नबी है, जवानी है तो भी नबी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इस वादी से आगे बढ़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाते चल रहे थे, एक और वादी आती है जिस वादी में पानी नहीं था। पैगंबर इस्लाम ने उस वादी में भी पानी जारी किया है, अपनी उंगलियां ज़मीन में गाड़ी और गाड़ते नहर जारी हो गई, जिससे सारा काफिला सैराब हुआ और पानी इतना बढ़ता गया कि जनाब अब्बास ने आगे कहा, भतीजे बस, वरना सारा सामान तिजारत नहीं डूब जाएगा। उसके बाद आपने दस्त मुबारक को ज़मीन से निकाला, पानी का बहना रुका। अब जब यहाँ से आप आगे तशरीफ ले चलते हैं तो शाम के करीब पहुँचते पहुँचते एक दैर नज़र आया। उस दैर में राहिबों का एक बहुत बड़ा जमघट था। उन राहिबों में सबसे बड़ा, सबका आलिम, उसके तमाम शागिर्द वहाँ रहते थे। वो सुबह शाम अपनी किताबों को देखा करता और रोया करता था, अल्लाह से दुआ करता, परवरदिगार कब वो वक्त आएगा, कब मेरी मुलाकात उससे होगी, कब मैं पैगंबर आखिरुल ज़मान की ज़ियारत करूँगा। और उन निशानियों को देखता, सूखा हुआ दरख्त था, वहीं पे कुआं था जिसमें एक कतरा पानी नहीं था, ये सारी चीज़ें देखता, अपने शागिर्दों से कहता था कि जब वो आएगा तो ये दरख्त खड़ा हो जाएगा, जब वो आएगा तो इस पानी में कुआं, इस कुएँ में पानी आ जाएगा, पूरा कुआं पानी से लबरेज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बयान किया करता था। जब वो आएगा तो देखोगे तुम कि उसके सर पर आब्र साया किए हुए चल, जब वो चलेगा तो ज़मीन से आसमान तक नूर साते रहेगा। ये सारी निशानियाँ बताता रहता था। चुनांचे इधर इसके शागिर्द दैर से बाहर आते हैं और उन्होंने आके देखा तो एक काफिला वादी से बरामद होता नजर आता है। जितनी निशानियाँ राहिब ने बताई थी सारी निशानियाँ नजर आ रही हैं, सब देखते जा रहे हैं, दौड़ के जाके राहिब को बताते हैं। राहिब बाहर आता है और आकर के देखता है उसकी बीनाई चली गई थी, बहुत कम नजर आता था। अब उसने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, अगर वक्त करीब आ गया है तो मुझे दोबारा आँखें दे दे ताकि मैं अपनी आँखों से ज़ियारत कर सकूँ, वो सारे मनाजिर देख सकूँ जिसके अरमान में इतने दिन ज़िंदगी गुजारी है। चुनांचे उसी वक्त उसकी आँखें बीना हो गई, उसे रोशनी मिल गई। इस करामत के बाद उसे यकीन हो गया कि इंतज़ार की घड़ियाँ तमाम हो रही हैं। अभी यही सोच रहा था कि काफिला आ करके बैरून दैर आ करके उस दरख के नीचे कयाम करता है, जैसे ही पैगंबर इस्लाम उस दरख के नीचे पहुंचे, पूरा दरख हरा भरा हो गया, उस पर फल आ गए और उसी वक्त कुआं पानी से लबरेज हो गया। ये सारी निशानियां देखने के बाद शागिर्दों ने जाकर राहिब को खबर दी, राहिब को सारी बातें बताई, राहिब ने खाना तैयार करवाया पूरे काफिले के लिए और आ करके दावत दी और कहा कि हमने सबके लिए खाना तैयार किया, आप सब आइए और आकर के खाना तदावल फरमाइए। ये गुफ्तगू उसके अबू जहल से हो रही थी। सब के सब अंदर दाखिल हो गए और तमाम सामान तिजारत पर देखभाल के लिए, चूंकि सबसे ज़्यादा अमीन अगर कोई था जिस पर सबको एतमाद और भरोसा, वो पैगंबर सलाम, लिहाजा आपको बिठा दिया गया, बाकी सब अंदर चले गए। जब सब बैठ गए, राहिब एक एक को देख रहा है, एक एक को देख रहा है, सबको देखता चला और सबको देखने के बाद चीख मार के रोने लगा, कहा मेरा मकसूद इनमें नहीं, मेरा महबूब इनमें नहीं। उसके बाद सवाल किया, क्या कोई और भी तुम्हारे साथ है? तब अबू जहल कहता, हाँ एक यतीम बच्चा है, एक यतीम है जो हमारे साथ है, हमने उसको सामान्य तिजारत की रखवाली के लिए रखा। जैसे इतना कहा, जनाब हमसा गैस के आलम में आगे बढ़े, एक तमाचा उसे मारा, कुर्सी से उलट के जमीन पे आके गिरा और कहता है कि ओ नाबकार, ये तू क्या कह रहा है, क्या यही कहने की बात है? उसके बाद पलट के कहा, सुन, बशीर और नज़ीर वहाँ बैठा हुआ है, सिराज मुनीर वहाँ बैठा हुआ है। और उसके बाद राय की तरफ पलटे और कहा कि अगर तुझे चाहिए तो चल, मैं उससे मुलाकात कराता हूँ। अब ये राहिब चला, पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ, सारी निशानियाँ देखता हुआ आगे। जब सारी निशानियाँ देख लिए, यकीन हो गया, तो आपको सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम नाम लेकर सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद। जैसे ही आपने सलाम किया, उसने सलाम किया, आपने उसका सलाम का जवाब दिया, वा अलैका सलाम या फलीक बिन यूनान बिन अब्दुल सलीम। हैरान होकर कहता, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आपने मुस्कुरा के फरमाया, जिस किताब में तूने मेरी निशानियाँ पढ़ी हैं
उसी के हवाले से मैं भी जानता हूँ कि मेरा यहाँ कौन इंतज़ार कर रहा है। जब तू इतना जानता है मेरे बारे में तो ये सवाल क्यों करता है कि मैं क्यों, मैं कैसे जानता हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। अब उसके बाद ख्वाहिश करता कि आप दैर में तशरीफ ले आए। पैगंबर इस्लाम उठे, उसने दैर का दो दरवाज़ा बनाया था, एक आम बड़े हॉल में जाता था और एक उसके मखसूस इबादत खाने में जाता जहाँ तस्वीरें लगी हुई थी। उस दैर का दरवाज़ा, उस इलाके का दरवाज़ा बिल्कुल छोटा था कि जब भी कोई जाए वो झुक के अंदर दाखिल हो ताकि तस्वीरों की तज़ीम हो जाए। और ये भी एक इम्तहान था, जैसे ही पैगंबर इस्लाम वहाँ पहुँचे दरवाज़ा खुद ब खुद बुलंद हो गया। ये देख करके वो हैरान पैगंबर इस्लाम मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़ के गोया गवाही दे दी कि अल्लाह की कायनात में सारी चीज़ें मेरी तज़ीम करती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी तज़ीम मोहम्मद करे सिवाय खुदा की? अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं जिसकी तज़ीम पैगंबर इस्लाम करें। पैगंबर इस्लाम उसी की तज़ीम करेंगे। हाँ, अब अगर अल्लाह किसी की तज़ीम करवाए तो ये और बात है, जैसा कि पैगंबर इस्लाम अपनी बेटी फातिमा की तज़ीम करते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस मकाम पर पहुँच कर के बस अजीज़ों, यहाँ पर किताबी गुफ्तगू हुई और बाद के हालात उसने बयान किया, अपना ईमान जाहिर किया। ईमान जाहिर करने के बाद बड़ी हसरत के साथ कहा, काश मुझे वो ज़माना मिलता कि मैं आपकी नुसरत में आता और आपके दुश्मनों से जंग करते हुए दर्जे शहादत हासिल करता। ये सारी गुफ्तगू मैं सबसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, बस आखिरी मंजिल पर रामले वक्त में गुंजाइश नहीं है कि ज़्यादा और मज़ीद गुफ्तगू की जाए, लिहाजा बस चंद बातें और अर्ज़ करना है। इस सफ़र को मुकम्मल कर दूँ कि यहाँ से चलने के बाद शाम में पहुँचे। जब शाम में काफिला पहुँच गया, हर तरफ से लोग सामान तजारत खरीदने के लिए आने लगे। जो सामान आज खरीद रहे हैं, लोग अपना अपना सामान बेचते जा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने एक भी सामान नहीं बेचा, सब सामान वैसे ही रखा हुआ। तीन दिनों में सब ने अपना सामान बेच डाला, किसी के पास कुछ नहीं बचा। लेकिन इन तीन दिनों में पैगंबर इस्लाम ने एक भी चीज़ नहीं बेची, सब वैसे रखी। अब लोग तंज कर रहे हैं कि खदीजा ने किसको अपना वकील बनाया तिजारत का, जिसे इतना भी तजुर्बा नहीं, सारा माल रखा हुआ, कोई ख़रीदने वाला नहीं। मैसरा से लोग कहते हैं, मैसरा कहता है कि हमें तुम्हारी बातों पे कोई ख्याल नहीं करना, हमें पूरा एतमाद है अपने सैयद व सरदार पर। चुनांचे इसकी इस हिकमत अमली का नतीजा ये हुआ कि तीन दिनों में जो बाजार में थे उन्होंने ख़रीद लिया। दूर दराज तक खबर पहुँचने में वक्त लगा, दूर दराज के इलाके से लोग जब पहुँचे तो सबके सामान बिक चुके थे। बाजार में सिर्फ और सिर्फ जनाबे खदीजा का माल था, किसी का माल ही नहीं था। लिहाजा अब जो सामान बिका तो दुगनी रकम पर बिका, जितने पे सबने बेचा था उससे दुगनी रकम पर ये सामान बिकने लगा। अब मैसरा पलट के सबसे सवाल करता है, बताओ तुम तजुर्बेकार हो या ये तजुर्बेकार? तुमने नुकसान का सौदा किया, इसने फायदे का सौदा किया है, और आज तक कभी इतना फायदा हुआ ही नहीं जितना फायदा यह हो रहा है। तो अजीजों, ये इब्तदाई मंजिल थी। एक बात अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अगर पैगंबर इस्लाम पर भरोसा करके खामोशी के साथ बैठ जाओ तो फायदा हासिल करते जाओगे, और अगर कहीं उजलत पसंदी में आए तो ईमान भी चला जाएगा, हलाक हो जाओगे। जैसा कि सुलह हुदैबिया के मौके पर भी यही हुआ कि वहाँ बड़े बड़े लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए और बाद में पता चला कि सुलह के नतायज क्या बरामद हुए। सारे सारे नतीजे मुसलमानों के हक में थे, सारे फैसले जो वहाँ पे हुए थे। इंशाल्लाह जब कभी वहाँ पहुँचेगी बात तो अर्ज करूँगा। एक यहूदी आली तीन दिन से मुसलसल आता था, पैगंबर इस्लाम को देखता था, मुसलसल आता था पैगंबर इस्लाम को देखता था। इसका नाम मकऊद है। सारी निशानियाँ देखने के बाद जब पहचान गया कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मान है, तो अब उसने आकर के थोड़ा सा माल बचा हुआ तो उसको ख़रीदने की पेशकश की और साथ में शर्त रखी कि मेरी गुजारिश है कि आप मेरे घर पे खाना तनावल फरमाएं, मेरी दावत को कबूल करें। पैगंबर इस्लाम फरमाया, बेहतर है, मैं कबूल करता हूँ, आप उसके घर पर तशरीफ ले। इधर इसने जल्दी से पहुँच के अपनी जौजा से कहा कि देख, अभी मैं जिसे घर में लेके आया हूँ, तू चाकी का पाट, चाकी समझ, इसे आटा पीसा जाता है, वो पत्थर ले के कोठे पर बैठ जा। ये वो है जो हमारे दीन को ख़राब, हमारी नस्लों को ख़राब, हमारे मज़हब को ख़राब करने वाला है। लिहाजा जैसे ये बाहर निकलने लगे इसके सर पे पत्थर गिरा दें। इधर पैगंबर सलाम रकम लेने के बाद जब घर से बाहर निकलते हैं, उस औरत की निगाह पैगंबर इस्लाम पर पड़ी तो जैसे उसके दिल को किसी ने अपने हाथों में जकड़ लिया। बेहिसो हरकत बैठी रही, पत्थर गिराने का होश ही नहीं रहा।
पैगंबर इस्लाम गुजर गए, अब जब उसे होश आया तो उसने उजलत में पत्थर गिराया। जब पत्थर गिरा उसी वक्त इस यहूदी के दो बेटे बाहर आ रहे थे, दोनों के सर पे गिरा, दोनों हलाक हो गए, दोनों मर गए। यहूदी तेजी से नीचे आया, क्या देखता, मेरे बेटे मरे पड़े हुए, चीखता हुआ दौड़ा कि इसको पकड़ो, इसने मेरे दोनों बेटों को मारा है। तो पहली बात तो कुदरत ने सजा दी कि रसूल इस्लाम के साथ खयानत करने वालों का अंजाम क्या होता है। अब जब ये बढ़ा चीखता हुआ तो सारे यहूदी तलवार खींच के जमा हो, जब ये देखा तो जनाब अब्बास और जनाब हमजा तलवार खींच करके आए और उसके बाद कत्ले आम शुरू हुआ। ये दो तलवारें जो चल रही थी तो शाम के उस इलाके में हर तरफ अलामान की सदा बुलंद हो गई। सारे यहूदियों ने हथियार डाल करके माफी मांगी और ये कहा कि आप लोग जाइए, हम आपसे कोई तारुफ नहीं करेंगे। अजीजों, जनाब हमजा और जनाब अब्बास की तलवार ने इस मकाम पर पहुंच करके नुसरत पैगंबर इस्लाम की और पैगंबर इस्लाम वहां से पलटे और पलट करके फिर पूरा काफिला लिए हुए मक्का की तरफ वापस चले। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चाहता तो यह था कि मक्का तक आपको पहुंचा दूं, लेकिन क्या करो, दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, लिहाजा सिर्फ मसायब पर। बाकी इंशाल्लाह कल अर्ज करूंगा। और सिर्फ इतना कि इस सफ़र में जो कुछ भी जाहिर हुआ, जो कुछ भी मौजज़ात करामतें रूनमा हो रही, जाहिर हो रही, इसको देख देख करके न जाने कितने ऐसे जिनके दिल पैगंबर इस्लाम की तरफ मायल होते जा रहे, और कुछ ऐसे जो हसद की आग में जलते चले जा रहे। ये दोनों असर बाद में जाहिर होता चला। अजीज़ों, पैगंबर इस्लाम के लिए जो ख़तरा ज़्यादातर सामने आया है वो यहूदियों की तरफ से आया। तारीख़ इस्लाम को सुनने के लिए इस नुक्ते को हमेशा जहन में रखिएगा, क्योंकि जिस चीज़ पर बहुत ज़माने से पर्दा पड़ा हुआ है और जिस चीज़ ने मुसलमानों को इतने टुकड़ों में बांटा है, वो कोई और चीज़ नहीं, वो यही है। इंशाल्लाह मैं वाज़े करूँगा कि किस तरह ये पॉलिसी कैसे कैसे चली। ये पूरा एक सिलसिला है, कभी तलवारें चलाई गई हैं, जब तलवारों से काम नहीं चला है तो आस्तीन के सांप बन बन के बैठे। सारा प्लान वहीं से तैयार होता था, अमल करने वाले इनके खरीदे हुए लोग जो ज़ाहिरन में कलमा गो थे मगर बातिनन उनके हवाली और मवाली। और इसका पूरा आशिकार मंजर अगर कहीं नज़र आता तो करबला का मैदान नज़र आता। करबला के मैदान में आकर अगर वाकई करबला ना हुआ होता तो खुदा की कसम आज कोई ना मानता कि रसूल को कत्ल करने की कोशिश की गई, आज कोई ना मानता कि वादी घाटी उकबा में रसूल को मार डालने की साजिश की गई, आज कोई ना मानता कि रसूल को जहर दिया गया, आज कोई ना मानता कि रसूल को इतना सताया गया। वाकई करबला ने हर पर्दे को उठाया, लेकिन वाकई करबला को अगर पढ़ा जाए कायदे से तो समझ में आता। इसीलिए शायद इमाम गजाली जो मुसलमानों में बड़ी अजीम और नुमाया शख्सियत है, फतवा देते नजर आते हैं कि वाकई करबला को ना बयान किया जाए, क्योंकि इसके बयान करने से कुछ सहाबा के मुतालिक दिलों में नफरत के जज्बात पैदा होते हैं। इस कहने का मतलब ही यह है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है, कुछ ऐसे हैं जिनके चेहरों पर नकाबें पड़ी हुई हैं। लेकिन करबला वो मकाम है जिसने हर नकाब को उल्टा है, मगर ये उल्टी हुई नकाब उसकी समझ में आएगी जो गौर व फिक्र करने वाला है। इस्लाम गौर व फिक्र करने वालों के लिए कुरान मजीद में अल्लाह ने बार बार अकल को दावत दी, अफला ताकलून की दावत बार बार दी है कि क्या तुम गौर नहीं करते हो, क्या तुम गौर नहीं करते हो। हर मंजिल पर गौर करना ज़रूरी है, सिर्फ सुन के माल लेना नहीं, बल्कि उसको ले आओ, मेयार सामने रखो और उस पर परखो कि बात सही है कि गलत है, तो हर बात समझ में आएगी। करबला के मैदान में हर बात नुमाया नजर आती है, एक तरफ 72 अफराद और दूसरी तरफ हजारों की तादाद, लाखों की तादाद, 9 लाख तक का लश्कर लिखा गया तारीख, जबकि दोनों कलमा पढ़ने वाले, दोनों नमाजी, दोनों हाजी, दोनों तरफ हाफिज़े कुरान है, कारी कुरान है, सब सज्दा करने वाले हैं। लेकिन यहीं से फर्क नुमाया हुआ और बात जाहिर हो गई कि अगर सच्चे मुसलमान को पहचानना है तो करबला आके देखो, किसी की नमाजों से उसे मुसलमान न मान लेना, किसी के कसरत हज से उसे मुसलमान न मान लेना,
इसलिए कि इमाम ने उंगलियों के दरमियान से दिखाया है मैदान हज में, हरम में दिखाया कितने बंदर और सुअर नजर आ रहे, ये भी दिखाया गया। हर हज करने वाला मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान वो है जो हक के रास्ते पे चलते हुए सब कुछ कुर्बान कर दे, अपना घर न बचाए हक को कुर्बान करते हुए। जो हक छोड़ दे दुनिया के लिए वो मुसलमान नहीं है, बल्कि जो दुनिया छोड़ दे हक के लिए वो मुसलमान है। यह हद फासिल जो करबला से नजर आ रहा है, और इसी चीज को नुमाया करते हुए करबला से हुसैन ने जो काम अंजाम दिया, कैद हो जाने के बाद शाहजादी ने इस काम को अंजाम दिया। और आप देखिए जनाब ज़ैनब ने कितना बड़ा काम अंजाम दिया। ज़िमनन बात आ गई, बस दो जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। मेरी शाहजादी ने क्या काम अंजाम दिया, हुसैन जब मदीना से चले हैं तो क्या बचा रहे थे? इस्लाम क्या कोई संदूक में बंद कोई चीज थी, या किसी ऊंट पे कोई बार सामान था? इस्लाम ये कोई चीज नहीं है, इस्लाम एक किरदार का नाम है, और ये किरदार हुसैन थे। ये बचता चल रहा करबला में आके हुसैन ने इसे बचाया, सब कुछ लुटाया, और आखिर में ये इस्लाम अपनी बहन के हवाले कर दिया। ये कहते हुए ज़ैनब यहां तक मैंने बचाया, अब इसके आगे तुम्हें हिफाजत कर दी। तो अब जो जनाबे ज़ैनब चली तो इस्लाम को बचाते हुए बाजू में रस्सी बधानी पड़ी, बधा ली, सर से चादर उतरना गवारा कर लिया, नैजे चुभोए जा रहे। तारीख में यह है कि जब भी बीवियों की आंखों में कभी आंसू आते थे तो सर पे नैजे की अनी चुभोई जाती थी, खून जारी हो गया। सारी बीवियां शाम तक पहुंचते पहुंचते कितनी जख्मी हो गई कोई अंदाजा नहीं, किसी के जख्म का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मेरी शाहजादी सब कुछ बर्दाश्त करती चली, सब कुछ गवारा करती चली, मगर इस्लाम बचाती चली। इस्लाम को बचा के मदीना पहुंचाया, और मदीना पहुंचाने के बाद अब जब चाहने वालों के हवाले इस्लाम किया तो सिर्फ इस्लाम नहीं किया, अगर खाली इस्लाम कर देती तो इस्लाम पे मुसलसल हमला होता रहता, इस्लाम बच ना पाता। लिहाजा मेरी शाहजादी ने मदीना पहुंच के जब चाहने वालों के हवाले इस्लाम किया तो आजादारी के खिलाफ में लपेट के इस्लाम दिया है कि अब जो भी हमला होगा आजादारी सिपर बन के रोकती रहेगी, इस्लाम बचा रहेगा। लिहाजा आजादारी है तो इस्लाम महफूज है, अगर आजादारी नहीं है तो फिर इस्लाम महफूज नहीं रहेगा। जहां मजलूम का जिक्र ना हो वहां हक कभी समझ में नहीं आ सकता। बस आप समझिए कि करबला ने किस चीज को वाज़े किया, और इसके लिए जनाबे ज़ैनब ने क्या किया है। आप अंदाज़ा करें कि जनाबे ज़ैनब की कुर्बानी का अंदाज़ा किया जा सकता है। जीजो जनाबे ज़ैनब अपने दो बेटे करबला में कुर्बान किए, मगर तारीख शाहिद है कि जब दोनों शाहजादों के लाशें ला करके रखे गए, हर बीवी आई उन मोहम्मद का मातम करने के लिए, जनाबे ज़ैनब की आंखों में आंसू नहीं आए, सर झुकाए हुए खड़ी बीवियाँ लेके आई। जनाबे ज़ैनब आई दोनों शाहजादों के लाशों के दरमियान आके शुक्र के सजदे में पेशानी रखी, माबूद तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है माबूद, मेरी कमाई ठिकाने लगी। उसके बाद जनाबे ज़ैनब खड़ी होती है और इमाम से कहती है, भैया अगर मेरे बच्चों से कभी कोई गुस्ताखी हो गई हो तो इन्हें माफ़ कर दो। इमाम ने कहा, ज़ैनब क्या कह रही हो, ये मेरे लाल ऐसे कि मैदान में कोई पूछता था कि तुम कौन हो तो कहते थे हम हुसैन के गुलाम हैं, हुसैन के गुलाम। जनाबे ज़ैनब ने कहा, भैया मैंने इन्हें यही तालीम दी। बस अजीज़ो चंद जुमले अस्कर, आज़ादारी का जो पैगाम जनाबे ज़ैनब ने दिया वो आपके हवाले करना चाहता है। जनाबे ज़ैनब करबला से चली, हर एक का मातम मौका मिला तो करती चली, हर एक का मातम करती चली, बीवी गुजरती चली, शाम में कैद रही, जब भी मौका मिला मातम किया शहदा का, रिहाई मिली मातम किया शहदा का, अली अकबर का भी मातम किया, अब्बास का भी मातम किया, कासिम का भी मातम किया, सबका मातम किया, अपने भाई का सरगोद में ले करके रोई, मगर औनो मोहम्मद का मातम नहीं किया, औनो मोहम्मद पे कभी न रोई। यहाँ तक कि शाम की औरतें ये कहती नजर आई कि लगता है कि इस मजमे में, इस काफिले में इन दो बच्चों की माएँ नहीं हैं, अगर होती तो ये सर भी उनकी गोदियों में होते। जनाबे ज़ैनब ने सुना, का बीबियों ये न कहो इनकी माँ मैं हूँ, मगर इन साहब से बताओ जब मैंने इन्हें भाई पे कुर्बान कर दिया अब मैं भाई को रोऊं या उन मोहम्मद को रोऊं। बीबी शाम से रिहा होके करबला आई, करबला से मदीना पहुंची, और जब जनाब अब्दुल्ला के कहने पर
جناب زینب اپنے گھر تشریف لے گئی، گھر میں گئی، عبداللہ موجود نہیں تھے، دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی، اب اس حجرے پہ نگاہ پڑی جس میں انہوں محمد آرام کیا کرتے تھے، بی بی کو بچوں کی یاد آئی، آہستہ آہستہ آگے بڑھی، ننے ننے بستر دیکھے، ننے ننے مسلے دیکھے، آگے بڑھی، دو کوزوں میں پانی لیا، پانی لے کر کے رکھا، کربلا کرو کر کے آواز دی، اے میرے پیاسے بچوں آؤ، میں نے تمہیں پانی پینے سے منع کیا تھا نا، آؤ میرے لال، آج تمہارا ماتم کروں گی۔ زینب ماتم کر رہی تھی، عبداللہ آ گئے، آ کر کے دیکھا کوئی معظمہ رو رہی ہے، کہا بی بی آج کے دن میرے گھر میں رو رہی ہو، رونے سے لگتا ہے جیسے بھرا گھر اجڑ گیا ہے، اے بی بی اس درد کو ہم سمجھتے ہیں، مگر آج بنت علی کے آنے کا دن ہے، اے بی بی اگر رونا ہے کہیں اور جا کے رو، یہ بڑی بدشگونی کی بات ہوگی۔ جناب زینب اٹھ کے کھڑی ہوئی، والی نہیں پہچانا، میں زینب بنت علی ہوں، جناب عبداللہ نے دیکھا، اے زینب یہ کیا ہو گیا؟ جناب زینب نے کہا والی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کے مسائل۔ خدا یا سب کا محمد والے محمد علیہ صاحب السلام کا، سب کا تمام شہدائے کربلا رسرائے کربلا کا، سب کا امام زمان علیہ صاحب السلام کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات اور عرض ان سب کو پورا فرما۔ خدا یا تمام مومن مومنات جہاں جہاں آباد ہیں سب کی جان و مال سے تعبوں کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل واجل عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہموات مومن و مومنات کی مغفرت فرما، ہمارے مامے زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے امان و انصار میں قرار دے۔